क्या बर्फड़ी हुई यार, नजारे हजार डलोची थी का आनंद उठा रहे काफी सारी बर्फ पड़ी हुई थी हजार में हजार में था। मैं ज़्यादा दूर गया नहीं, बहुत धीरे सैलानी बर्फ़ का आनंद उठाते हुए मैं खजार की तरफ गया नहीं, क्योंकि मेरी जो स्कूटी थी उसके जो टायर है वो यूजल टायर है वो टायर थे जो बर्फ़ की काफ़ी मशक्कत करते रास्ते में काफ़ी सारी बर्फ़ थी नज़ारा ही लेना। तो यहाँ देखो बर्फ ही बर्फ है यार, बहुत सारी बर्फ है। अभी मैंने अपनी कोई भी पिक्चर नहीं खींची है यार, मुझे पिक्चर खिंचाने का कोई शौक ही नहीं है। बहुत ही शानदार मुझे राइडिंग करने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है यार, तो मैंने स्कूटी उठाई और कल परसों मुझे चंडीगढ़ में जॉब के सिलसिले में तो मैंने आज का दिन ये यूटिलाइज करने के लिए थोड़ी सी सस्ती राइडिंग हो जाए कल फिर से चंडीगढ़ को निकलना पड़ेगा जिन संडे को निकलूँगा या सैटरडे को। और मैं आया था यहाँ ध्यानपुर में माता के दर्शन के लिए और वो तो हुए नहीं क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी, हमने को रास्ता बंद कर रखा था। अगर माता को आता हुआ पहला नहीं के साथ भी दुर्घटना भी हो सकती है, तो प्रशासन ने बहुत ही अच्छा ये इंतजाम किया हुआ है कि रास्ता बंद कर दिया हुआ और जाल की तरफ खोला हुआ है, जाल की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत निकल वाले लोग अभी जा सकते हैं। बर्फ़ तो यहाँ भी काफ़ी पड़ी हुई है, तो वो नज़ारा यहाँ भी अच्छा है। तो हमने तो ट्रेवलर्स हैं राइडिंग के लिए आते हैं और राइडिंग का मजा लेते हैं। जाते वक्त मैं जो अपने मोबाइल का यूज़ करूँ और वीडियो उठाऊँ अच्छा आनंद उठा सकें, डलहौजी का डलहौजी टू पठानकोट एक सीरीज बने। तो यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया और साथ ही साथ में मेरी जो हैंड टॉल का है ये रास्ता बताते जा रही है। यहाँ मैंने जितना किसी से रास्ता पूछा था और उसने मेरे को रास्ता है गलत बता दिया। तो हैंडपम्प में जो लगा हुआ है सिस्टम लगा सकता था, उसकी वजह मैंने थोड़ा सा ही आगे गया और फिर डन ले लिया और दूसरी तरफ आ गया और मैंने मुझे बड़ी जल्दी से पचास पहुँचा दिया। तो नज़ारा देखिए इसमें वीडियो में बहुत ही सैलानी तो बस देखते ही पागल हो चुके हैं। आगे काफ़ी बर्फ है, आगे आगे उन्होंने जाना है, ये हम वाटर लेके उठा रहे हैं बर्फ। तो यहाँ से लेंगे हम तान, यहाँ से धूप का भी काफ़ी आनंद है। ये थोड़ा सा नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा ही है क्योंकि घास है और उसके साथ धूप बर्फ है। घास जो अपना टेक्चर है इतना रेड कलर है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉर्डर जो है ये तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है फिर का। तो इस वजह से जो प्लेन में क्या रहती है वो यहाँ पहुँचती है।
बोला माता का ये कब तक खुलेगा, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट मंथ तक ये खुल जाएगा, और हो सकता है वो खुल जाए क्योंकि ये जो सीजनल चेंजेस आ रही है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से भी जो हफ्ते सीजन चेंज हो रहे हैं। अभी मार्च के महीने में जब मैं पहले आता था 3-4 साल पहले, तो यहाँ बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। तो अब जो ये बर्फ जो पड़ रही है, ये काफ़ी डरावनी बात है कि देखो जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये जो वायरसेस हैं, जो सीजनल वायरसेस हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी चेंज हो रही हैं। अगर नवंबर में सर्दी स्टार्ट हो गई थी तो अभी मार्च तक चल रही थी, जिनको नवंबर में इन्फेक्शन हुआ उनको दोबारा से मार्च में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हमें ना कम से कम गाड़ियाँ और प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए ताकि जो हमारा क्लाइमेट है बिल्कुल ही साफ सुथरा और नज़ारेदार बना रहे। जो यहाँ से देखिए क्या बर्फ का सामने कश्मीर के पहाड़ों का व्यू नज़र आ रहा है यार। मैं थोड़ा सा ना इसको क्या कहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा इसका ना